इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में हाइड फोल्डर किस तरह देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको इसके लिए यहाँ पर सर्च करना है पहले कंट्रोल पैनल। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ कंट्रोल पैनल। जैसे ही मैंने कंट्रोल टाइप किया यहाँ पर कंट्रोल पैनल आ गया है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर आपको ऐसा ना दिखाई दे तो आपको व्यू बाय यहाँ पर लार्ज आइकन रखना है। तो यहाँ पर मेरा पहले से ही लार्ज आइकन्स है। और फिर यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिखेगा फोल्डर ऑप्शंस करके या फिर फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस इस नाम से। तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस इस नाम से है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको व्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ आपको दिखेगा हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, तो आपको शो हिडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव पर क्लिक करना है और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके कर लेना है। और अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ क्लोज करके। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो फोल्डर दिखा रहा है, यानी ये हाइड किए हुए फोल्डर है। तो इस तरह आप हाइड फोल्डर देख सकते हैं लैपटॉप में।